पिछले काफी समय से बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की एक फिल्म काफी चर्चा में है और इस फिल्म का नाम है हरामी। यह फिल्म मुंबई के उन अनाथ बच्चों पर बनी है जिन्हें केवल एक नंबर के थ्रू जाना जाता है और वह रोजाना जेब कतरी करके अपना जीवन चलाते हैं। फिल्म में इन जेब कतरे बच्चों के लीडर होते हैं इमरान हाशमी, जो हमेशा इंग्लिश में बात किया करते हैं। फिल्म की कहानी तब मोड़ ले लेती है जब इन जेब कतरों बच्चों में से एक बच्चा मिडिल क्लास फैमिली के एक आदमी का पैसा चुरा लेता है और वह आदमी ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देता है। इसके बाद वह लड़का उस आदमी के घर जाता है और उसे उस आदमी की लड़की से प्यार हो जाता है। इसके बाद वह लड़का उस फैमिली की मदद करने की ठान लेता है, जिसमें उसकी गैंग के लोग उसके आड़े आ जाते हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन श्याम मादिराजू ने किया है। हरामी का प्रीमियर बुसन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया जाएगा। फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा नए कलाकार रिजवान शेख को बचपन के रूप में दिखाया गया है। यह रिजवान की डेब्यू फिल्म है। इमरान हाशमी की बात करें तो उन्हें रोमांटिक फिल्मों के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे समाज की एक कड़वी सच्चाई को दर्शाने के लिए बड़े पर्दे पर उतरते हैं। शंघाई, घन चक्कर और वाई चीट इंडिया के बाद अब इमरान हाशमी समाज का एक घिनौना चेहरा दिखाते हुए नजर आएंगे। फैंस उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नई फिल्मों की रिलीज अपडेट्स, न्यूज और ट्रेलर्स के लिए आप हमारे चैनल OTZ मीडिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।